को क्यों बुलाया? मीडिया टीम को इसलिए बुलाया हूँ कि मैं सरकार के लिए और आम जनता के लिए हक की लड़ाई, तो आपको लगता है कि हक की लड़ाई में आप सफल होंगे? सफल होंगे, हाँ, कामयाब होंगा। मतलब आप में सरकार, आप, इसमें आपका निजी स्वार्थ कुछ नहीं है? मेरा निजी कोई स्वार्थ नहीं है, हाँ। मेरे को इससे कोई लगाव नहीं है, हाँ। मेरे को आम जनता से लगाव है। और आप आम जनता के लिए आप लड़ाई लड़ रहे हैं? हक, आम जनता के लिए लड़ाई, आम जनता के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। जो नदी किनारे जो जमीन नदी के किनारे वो कोई अतिक्रमण कर रहा है, आपके साथ मतलब हर वर्ग के लोग हैं? हर वर्ग के लोग हैं, हाँ। ज्यादातर अच्छे लोग हैं, हाँ। तो आज हमारी टीम पहुंची है सिवान जिला के हुसैनगंज के अंतर्गत जो प्रखंड पड़ता है, और यहाँ पे एक पंचायत है, हुसैनगंज पंचायत है, और यहाँ पे एक मामला है जो एक व्यक्ति है जो कि ये समाज के लिए और यहाँ पे कहीं ना कहीं हर चीज में आगे रहते हैं और समाज को आगे बढ़ने में अपना तत्पर निभाते हैं। सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाहेंगे, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम अली मोहम्मद उर्फ राजू। आपने कल एक न्यूज चैनल पे बयान दिया है और आपने ये सब एसपी ऑफिस में भी गए हैं, आज डीएम कार्यालय पास भी गए हैं, आपने आवेदन भी दिया हुआ है कि आपके पास आवेदन जो है दहा नदी की जमीन पर निर्माण करने के संबंध में आपने एसपी ऑफिस में और डीएम कार्यालय में गए हैं, क्या कुछ मामला है बताइए? मामला यह है कि दहा नदी के किनारे हरेंद्र शाह, सुरेंद्र शाह, वीरेंद्र शाह, वल्द गजाधर शाह ये सरकारी ज़मीन पे अपना मकान दुकान बना रहे हैं। वो ज़मीन किसका है? वो सरकार की है। तो आप क्यों लड़ाई कर रहे हैं? आपका है ज़मीन? वो ज़मीन मेरी नहीं है, हाँ। हम लड़ रहे हैं समाज के लिए और उससे हम लोगों के नुकसान होगा, आम पब्लिक को नुकसान होगा, घाट वोट पे जाने को दिक्कत होगा, छठ घाट भी है वहाँ जाने में दिक्कत होगा, कठिनाई होगी। तो राजू जी आप गए हैं एसपी ऑफिस के पास, डीएम कार्यालय के पास, और आपने आवेदन भी दे चुके हैं जो कि आपने आवेदन में आपने दिखाया कि मैं अली मोहम्मद वल्द मोहम्मद अस्करी थाना हुसैनगंज जिला के निवासी हूँ, आप है ना? जी जी। गांव के हरेंद्र शाह, सुरेंद्र शाह और वीरेंद्र शाह तीनों पिता गजर शाह के हुसैनगंज थाना, हुसैनगंज जिला सिवान थाना 363 तौजी नंबर 54-88 खाता संख्या 390 सर्वे नंबर 486 रकबा 3 कठा 15 धूर चौधरी उत्तर अली मोहम्मद दस्ता मोहम्मद अली मोहम्मद पश्चिम दहा नदी के हुसैन गज में स्थित अवस्थित है ना। तो इस जमीन में मामला सीधे तौर पर क्या कहा गया, मतलब डीएम सर ने एसपी सर ने क्या कहा? डीएम साहब एसपी साहब ने कहा कि मैं अंचल में इसको लेटर भेजता हूँ और वहाँ से उस पर कार्रवाई करता हूँ। यहाँ तक कि आप एसपी ऑफिस में चले गए हैं, डीएम कार्यालय में चले गए हैं, अब कहाँ जाएंगे आप? अब हम जो है डीआईजी और आईजी और जो है चीफ मिनिस्टर के पास जाएंगे। आपको लगता है कि इस चीज़ में आपको न्याय मिल पाएगा? हमको उम्मीद है कि सरकार न्याय देगी और ये आम जनता के लिए हम लड़ रहे हैं, हम लोग एक समाज है, सभी हम लोग समाज वाले चाहते हैं कि मिलजुल के रहे और यहाँ हम लोग बहुत अच्छे से रहते हैं, यहाँ किसी तरह की कोई आपस में मतभेद नहीं है। जैसे ये हम कि आपने बयान दिया है और उस बयान पे वो लोग अपना बयान दिए हैं कि वो ज़मीन वो पिताजी उनके जो गजाधर शाह जो थे वो खरीदे हुए थे, तो क्या सच्चाई? नहीं, वो गजाधर शाह गलत खरीदे, हाँ। जिसकी ज़मीन है उससे उन्होंने नहीं खरीदा, हाँ। ज़मीन है दूसरे की, इन्होंने दूसरे से खरीदा, उनका कोई राइट नहीं बनता है, कोई राइट नहीं बनता है ना। तो ये मतलब असल में ज़मीन किसका है? ये ज़मीन जो है ये रजा हुसैन उर्फ भोजी बाबू की ज़मीन है, उनका कोई उनके नाम से बैनामा नहीं है। तो सरकार ने ले लिया इसको? ये वो सरकार नदी के साइड में है, हाँ। वो जो है भौली ज़मीन है, हाँ। वो नदी के साइड में है, हाँ। नदी के किनारे है, तो उस पर अतिक्रमण किया जा रहा है? उस पर अतिक्रमण किया जा रहा है और नदी का भी एरिया को अतिक्रमण किया जा रहा है, ज़मीन को तो कर ही रहे हैं, नदी को भी अतिक्रमण कर रहे हैं और घाट जो है उसको भी वो नुकसान पहुँचा रहे हैं। तो आप यहाँ के जो अधिकारी हैं सिवान जिला के, उनसे तो बात कर लिया, थाना अध्यक्ष जो हैं हुसैनगंज से और सीओ साहब हैं, क्योंकि ज़मीन के मालिक सीओ होते हैं, उनसे आपने मुलाकात किया, उनसे बात? मैंने सबसे फर्स्ट सीओ के पास गया, सीओ ने मेरी बात सुनी, सीओ ने दरोगा को थाना इंचार्ज को उन्होंने जो है कहा, थाना इंचार्ज ने
उस पर कोई कार्रवाई नहीं की, बल्कि उन्होंने कहा कि काम को रोका जाए। हाँ। थाना इंचार्ज काम को रोके नहीं, काम को करवाए जी। वो कई दिन लगातार काम करवाए। तो मामला क्या है, सीधे तौर पे आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ कि न्याय मिले सरकार के तरफ से, और जो है दहा नदी में कोई तरह की कठिनाई नहीं हो, पानी का बहाव सही रहे। हाँ। जिससे जो है हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो। हाँ। और जो है हम लोगों के लिए वहाँ घाट उठ है, किसी तरह के जाने आने में किसी को कठिनाई नहीं हो। ऐसा तो नहीं है कि आप मतलब जानबूझकर उस परिवार के मतलब जो ऐसे हैं? नहीं नहीं, ऐसा कोई मेरे से कोई घृणा नहीं है, वो भी जनता है। जनता के जब हमने बात किया, जनता कह रही कि आप एक समाज सेवी रूप में रहते हैं, आप हर किसी की लड़ाई को मतलब अपना लड़ाई मानते हैं, तो आपको लगता है कि समाज की लड़ाई है? ये हमको मालूम है कि समाज की लड़ाई है। हाँ। और सारे जनता मेरे साथ हैं। जनता के साथ है? सारे जनता मेरे साथ हैं। जनता मेरे साथ हैं, जैसे ओम प्रकाश शाह। हाँ। और जो है प्रदीप कुमार, सारे लोग हैं, बहुत सारे हैं। मतलब कहने का मतलब है कि आपके साथ जनता है, जनता है। आप हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, आप चाहते हैं कि जो सरकार के निजी जमीन है, जो मतलब सरकार के हक में है, वो सरकार के अतिक्रमण नहीं हो। तो देखिए, कहने का मामला ये है, सीधे तौर पर ये जो श्रीमान है, जो कि आज गए हुए थे श्रीमान जिला समाहर्ता महोदय के पास, जो कि इन्होंने आवेदन दिया है विषय जो है दहा नदी की जमीन पर निर्माण करने के संबंध में इन्हें रुकवाने के लिए, क्योंकि जहाँ नदी जो जमीन है वो सरकारी है, और सरकारी जमीन में कोई अतिक्रमण कराया। हमने जब इनका कल इंटरव्यू चल रहा था आजकल भारत पे, और आजकल भारत में इन्होंने बयान दिया कि दहा नदी को जमीन को अतिक्रमण कोई कराया, उस पर एक जो जिस जो अतिक्रमण कराया उन लोगों का बयान आया हुआ है कि ये जमीन उनका है, वो खरीदारी की है जमीन को। लेकिन फिर तौर से ये जो ये आज हमारे साथ फिर से जुड़े हुए हैं, जो कि अली मोहम्मद वल्द, स्वर्गीय मोहम्मद असगरी के पुत्र आप हैं, और उनके द्वारा इनका कहना है कि नहीं, ये जमीन कहीं ना कहीं सरकार का है और सरकार के हक में जाना चाहिए, और मतलब ये सरकारी है। सरकारी, तो आपने आवेदन दे दिया ना आज 11/2/2023 को भी आप गए थे DM ऑफिस में, जा चुके हैं, SP ऑफिस में जा चुके हैं, SP ऑफिस में जा चुके हैं। चलिए, तो देखिए, ये है आपका विश्वासी अली मोहम्मद जी, जो कि अली मोहम्मद पिता स्वर्गीय मोहम्मद असगरी, थाना पोस्ट थाना हुसैनगंज जिला निवासी के व्यक्ति हैं, जो कि अपना कार्य सही से निर्वाहित करें, और चाहते हैं आप क्या मांग करेंगे जिला प्रशासन से? मतलब जिला प्रशासन की वो जो है जो अतिक्रमण वो कर रहे हैं उसको हटाया जाए। हाँ। और जो है उससे जो है आम जनता को फायदा हो। चलिए।